बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। सो हे टेकीज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आपका भी बजट 20,000 के आसपास है और आपको चाहिए कोई सा एक बेस्ट परफॉर्मिंग कैमरा स्मार्टफोन जहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच की देखने को मिल जाए, प्रो फोटोग्राफी कर सके, वीडियोग्राफी कर सके या फिर व्लॉगिंग के लिए आपको कोई सा एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था, तो मैंने आज आपके लिए कुछ स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया जहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी तो टॉप नॉच देखने को मिलती है, साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, पावरफुल 5G प्रोसेसर है, डिजाइन और बैटरी भी आपको एकदम तगड़ी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा ही स्मार्टफोन चाहिए था इस बजट रेंज में, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किया है टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन अंडर 20,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। वैसे बेस्ट तो टेकिप इसका सब्सक्राइब बटन भी है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G71। तो अगर आपको इस बजट रेंज में कोई सा एक बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए था जहां पे एड्स ना हो, ब्लोटवेयर ना और अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी हो, साथ में 5G प्रोसेसर भी हो, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। एक और स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से ही, जो कि है मोटो G60। इस बजट रेंज में अगर आपको कैमरा सेंट्रिक मोटोरोला का स्मार्टफोन चाहिए तो मोटो G60 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जहां पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बस एक डाउनसाइड उस स्मार्टफोन के साथ यह है कि उसमें आपको एक 4G प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं मोटो G71 के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक OLED पैनल, 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 700 nits की पीक ब्राइटनेस है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक में देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला एक 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करने वाला प्रोसेसर, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आता है और स्टॉक एंड्रॉइड पे वर्क करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। 13 5G बैंड से 5000 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को, ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और अपर्चर मिल जाता है 1.8 का। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का डेप्थ और अल्ट्रा वाइड शूटर, अपर्चर मिल जाता है f2.2 का। तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको डुअल कैप्चर, स्पोर्ट कलर, नाइट विजन, सिनेमोग्राफ, पोर्ट्रेट मोड और ऑटो स्माइल कैप्चर जैसे मोड मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा, 1080p तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉल्बी एटमॉस के बॉटम में आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, थिंकसिल की सिक्योरिटी है, IP52 का वाटर रिपेलेंट डिजाइन है। और अगर बात कर लेते प्राइसिंग की, तो 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 18,999 में। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आईकू की तरफ से आईकू Z3। ये वीवो का ही सब ब्रांड है, तो इसका जो कैमरे की क्वालिटी ना वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है और 20,000 के प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा खासा कैमरे की क्वालिटी और साथ में 5G प्रोसेसर भी मिल जाता है, तो आप इस स्मार्टफोन को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, HDR10 वाली है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, 8.5mm की थिकनेस है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G वाला एक 5G प्रोसेसर, फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 2 5G बैंड्स हैं, 4400 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 55 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का GW3 वाला सैमसंग का सेंसर है, दूसरा कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा, 4K तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन भी मिल जाता है, LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 17,990 रुपए में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 9 प्रो। अगर आपको 4G या 5G से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप जा सकते हैं 8 प्रो के साथ, जहां पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन मिल जाता है, पर इसमें आपको प्रोसेसर के साथ साथ कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट रियलमी का स्मार्टफोन चाहिए था जहाँ पे 5G प्रोसेसर भी मिल जाए और साथ में कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी हो, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला एक 5G प्रोसेसर, 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, एंडिनो का 619 वाला GPU मिल
जाता है, Realme UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 33 W के फास्ट चार्जिंग को। ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको मिल जाता है 64 MP का, अपर्चर दिया गया है f1.7 का। दूसरा कैमरा मिल जाता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड शूटर, अपर्चर मिल जाता है 2.2 का, 190° का फील्ड ऑफ व्यू है। तीसरा कैमरा मिल जाता है 2 MP का मैक्रो शूटर f2.4 के साथ आता है। और फ्रंट में भी आपको 16 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड, नाइट स्केप फिल्टर, नाइट मोड, बोके मोड और डुअल व्यू जैसे मोड मिल जाते हैं। डायनेमिक रैम एक्सपांशन का ऑप्शन भी है जहां पे आप 13 GB तक रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6+128 GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 17,999 रुपए में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 Pro Max। इसमें आपको 108 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको एक 4G प्रोसेसर मिलता है। हालांकि अभी तक Redmi Note 11 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो जब लॉन्च हो तो उसका जो कैमरे की क्वालिटी वो इससे भी बेटर हो। बाकी जो Redmi Note 10 Pro Max है बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बजट कम है तो 11S के साथ भी जा सकते हैं, और 11S में भी वही सेम कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि Note 10 Pro Max में है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो Note 10 Pro Max में आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फ्रोस्टेड ग्लास बैक है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी है, 8.1 mm की थिकनेस है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 732G वाला एक गेमिंग प्रोसेसर। आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पे आता है और MIUI 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5020 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 33W के फास्ट चार्जिंग को। क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 108 MP का मिल जाता है। सेंसर यूज किया गया है Samsung का HM2 वाला सेंसर, अपर्चर है f1.9 का। दूसरा कैमरा मिल जाता है 8 MP का अल्ट्रा वाइड शूटर, और तीसरा कैमरा है 5 MP का मैक्रो शूटर, और चौथा कैमरा मिल जाता है 2 MP का डेप्थ शूटर। फ्रंट में भी आपको 16 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियोस तक को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी है। IP53 का स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंट वाला डिजाइन है। LPDDR4X की रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 19,999 रुपए में। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Vivo की तरफ से Vivo T1। हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जहां पे आपको 5G प्रोसेसर भी मिल जाता है, बेस्ट कैमरा मिल जाता है। Vivo तो अपने डिजाइन और कैमरे की क्वालिटी के लिए जाना जाता है। एक और स्मार्टफोन है Vivo की तरफ से Vivo V20, वो भी बहुत ही अच्छा है, बस वो एक 4G स्मार्टफोन है। तो अगर आपको 20,000 के बजट में 4G 5G कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप Vivo V20 की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बाकी बात कर लेते हैं Vivo T1 के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, 8.25 mm की थिकनेस है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 695 वाला एक 5G प्रोसेसर, 6 nm के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 18W के फास्ट चार्जिंग को, ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 50 MP का मिल जाता है, सैमसंग का सेंसर है, f1.8 का अपर्चर है, दूसरा कैमरा मिल जाता है 2 MP का, और तीसरा कैमरा मिल जाता है 2 MP का। फ्रंट में भी आपको 16 MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको नाइट मोड, लाइव फोटो, सुपर स्लो मोशन, टाइम लैप्स और AI स्टिकर्स जैसे मोड भी मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं कलर ऑप्शन की, तो ये स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन के साथ आता है, पहला स्टार लाइट ब्लैक और दूसरा रेनबो फैंटेसी। इस स्मार्टफोन में आपको टर्बो कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एक्सटेंडेड रैम 2.0 का ऑप्शन है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में 19,990 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन जिनकी प्राइसिंग आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।